भैया कितना हुआ? 150। 150। लो। हाँ भाई दीपक, कैसा है? अरे मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तू कहीं रूम लेने वाला था ना, क्या हुआ? बिल्कुल सही टाइम पे कॉल कराया तूने, बस अभी पहुंचा यूं रूम पे। चल तू पहले फ्री हो ले, फिर अपन बात करते हैं। चल ठीक है। और हाँ, नए रूम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स यार। ओके ओके बाय। भैया। हाँ। ये महिमा अपार्टमेंट। हाँ यही है। अच्छा, ये 12 नंबर का मकान तीसरे माले पर? ठीक है, थैंक यू। हाय वंश। नमस्ते। मैं आपका नया पड़ोसी। कभी भी किसी काम की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। अरे अरे, बेझिझक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ थैंक्स। चलता हूँ। नमस्ते अंकल, सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करा। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, मिलेगी? आ जाओ। बैठो। बैठो, चाय लेके आता हूँ मैं। वैसे भगवान को तो मानते होंगे आप? भगवान को तो मानते ही हैं। वो तो आपको देख के ही लग रहा है। हाँ? नहीं मतलब आपने ये माला पहन रखी है और घर में आपने इतनी सारी भगवान की मूर्तियाँ लगा रखी है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भूतों को भी मानते होंगे। भूतों पे विश्वास? भूत तो होते ही नहीं है, भगवान है तो राक्षस गण तो है ही, और मैं इसी को मानता हूँ। वैसे जब से आया हूँ यही सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा यहाँ वह भटक रही है, इसीलिए शायद यहाँ के रूम सस्ते हो गए। बात तो सही है तुम्हारी, यहाँ किसी ने सुसाइड तो किया था और उसके बारे में गलत अफवाह भी फैल रही है, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता क्योंकि मैं भूतों पर विश्वास ही नहीं करता। आप इन बातों को नहीं मानते हो, लेकिन क्या पता उसकी आत्मा रोज किसी के घर चाय पत्ती मांगने आती हो। कोई भूत इस घर में अगर चाय पत्ती भी मांगने आ जाए तो इस घर में घुस नहीं सकता क्योंकि इस घर में सकारात्मकता बहुत है। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ पर है? वहां सामने। अच्छा आता हूँ।
भाई क्या मजाक चल रहा है यार ये। भाई क्या मजाक है ये। बोला था ना कि यहां पर किसी ने सुसाइड किया था।